हाय फ्रेंड्स, बेस्ट बिजनेस एनबी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप चूज़ों की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो जिस कारण इनक्यूबेटर से निकले हुए चूज़ा मरेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों के चूज़े तो निकल जा रहे हैं बट चूज़े वो जल्द मर जाते क्योंकि वो लोग उसे सही तरह से ट्रीट नहीं कर पाते। दोस्तों, दो तरह से आपका चूज़ा मर सकता है। एक तो अगर उसको सही टेम्परेचर नहीं मिला तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, इस कारण वो मरता है। और दूसरा दोस्तों, अगर उसमें कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो दोस्तों वो मरता है। तो इन दोनों का जवाब मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा कि आपको क्या करना है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। और अगर कोई नए मित्र पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको अगर आप देसी चिक्स इनक्यूबेटर में निकाल रहे हो तो शुरू के 8 से 10 दिन आपको टेम्परेचर सही तरह से मैनेज करना है। जी हाँ दोस्तों, वो निकले तो 38 डिग्री सेल्सियस में इनक्यूबेटर के अंदर से, लेकिन आपको कम से कम उन्हें शुरू के 4 दिन 34 से 35 डिग्री सेल्सियस में रखना है। अगर आप टेम्परेचर अगर बहुत ही कम हो जाएगा, 30 के अंदर आ जाएगा, तो वो ठंडी से भी मर सकते, एक दूसरे के ऊपर चढ़कर एक दूसरे को दबा के भी मर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर उनको सही तरह से टेम्परेचर नहीं मिलेगा तो बाकी की जो बीमारियाँ है वो भी उन पे अटैक करना शुरू कर देगी, इस कारण भी आपका चूज़ा मर सकता है। इसीलिए शुरू के 4 दिन कम से कम 34 से 35 डिग्री सेल्सियस में उन्हें रखें और 4 दिन के बाद उनका टेम्परेचर आप थोड़ा सा 1-2 डिग्री से कम कर सकते हो, उससे कम नहीं करना। ध्यान रखिएगा, ये रात के समय की बात होगी। दिन के समय में भी आपको टेम्परेचर मैनेज करना है। अगर नेचुरल टेम्परेचर 30 के ऊपर है तो आप उन्हें विदाउट टेम्परेचर के रख सकते हो, लेकिन अगर नेचुरल टेम्परेचर नहीं है तो दिन में भी आप उन्हें गर्मी दे सकते हो शुरू के 8 दिन। साथ ही दोस्तों, ध्यान रखना कि उनको जहाँ पे आप रख रहे हो वो पेस बड़ा होना चाहिए। पेस बड़ा यानी 4 चूज़ों को जितनी जगह लगती है वो उतनी जगह 1 चूज़े को मिलनी चाहिए। इतना आपको उनको जगह देना है खेलने कूदने के लिए। ये हो गया दोस्तों टेम्परेचर का बात। अब मैं आपको बता दूं उनकी मेडिसिन और फीड। अगर आपके पास फ्री स्टार्टर वगैरह बाज़ार में रेडीमेड मिलने वाला फीड है तो ठीक है। अगर फीड नहीं है तो दोस्तों आपको उन्हें चावल, मक्का ये बारीक मिक्सी में पीस के खाने के लिए दे सकते हो। बारीक इतना पीसना है कि उनकी चोंच में आसानी से वो चला जाए। ठीक है, ये हो गई खाने की बात। दूसरी बात दोस्तों, मेडिसिन। तो पहले तो आपको उनको 5-6 घंटे गुड़ का पानी देना है। जैसे ही आपके चूज़े निकल जाते हैं आप 5-6 घंटे उनको गुड़ का पानी दे। मान लो आपके चूज़ों को गुड़ का पानी दे के हो गया दोस्तों, तो उसके बाद आपको सबसे पहले लेक्सिन पाउडर मार्केट से परचेस करना है। ये आपको कोई भी मेडिकल स्टोर में 60-70 रुपये में आसानी से मिल जाएगा, 20 ग्राम का पाउच। जी हाँ दोस्तों, और इसको आपको देना है लगातार 3 दिन पीने के पानी में, 1 लीटर पानी में आधा ग्राम। जी हाँ दोस्तों, आपको पानी कितना भी लगे वो हिसाब से आप इसका डोज बना सकते हो या फिर अंदाजे से चुटकी भर डाल सकते हो अगर कोई गिनने का कोई साधन नहीं है तो। या फिर सीधा सीधा इसको गिनने का शॉर्टकट तरीका बता दूँ, ये 20 ग्राम का पाउच है, आप इसको 4 हिस्सों में बांट दीजिए, यानी 5 ग्राम का आपका 1 हिस्सा हुआ। अब 5 ग्राम मेडिसिन आप 10 लीटर पानी में मिला सकते हो। ये हिसाब से आप अंदाजे से भी इसे मिक्स कर सकते हो। 3 दिन आपको लेक्सिन पाउडर देना है। जैसे ही आपका 3 दिन के बाद लेक्सिन पाउडर दे के हो गया, उसके बाद 3 दिन कंटिन्यू आपको विमरल यानी वाइमेरॉल मिलाना है दोस्तों। आप इसे बड़ी बॉटल भी ले सकते हो, 60 ग्राम वाली बॉटल भी ले सकते हो, या फिर 30 ग्राम वाली बॉटल भी दोस्तों इसकी महंगी नहीं है, 45 रुपये की आती है। इसे भी आप 1 लीटर पानी में आधा ml के हिसाब से मिला सकते हो। इसका जो डोज है दोस्तों वो कम ज़्यादा होने से ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं गिरने वाला है अगर आप ऐसा करते हो। 3 दिन लेक्सिन पाउडर, 3 दिन वाइमेरॉल, उसके बाद उसके 5-6 दिन बाद लेक्सिन पाउडर आप फिर से रिपीट कर सकते हो। इससे आपका अगर कोई बीमारी से आपके चूज़े मर रहे हैं तो डेफिनेटली वो चूज़ा नहीं मरेगा दोस्तों। आपके पास अगर 100 चूज़े हैं तो कम से कम उसमें के 80 चूज़े स्वस्थ भी रहेंगे और बड़े भी होंगे दोस्तों। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको और बता दूं। मान लो आपके पास अभी 1 दिन के चूज़े हैं और आपके पास मान लो 10 दिन के कोई चूज़े हैं, तो उसमें के 2-4 चूज़े इन छोटे 1 दिन के चूज़ों के साथ छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है कि वो बड़े वाले चूज़े इनको दाना खाना, पानी पीना सब कुछ अपने आप सिखा देते हैं दोस्तों। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ट्रीटमेंट यही रखना है। ट्रीटमेंट अगर आप सही तरह से करोगे तो आपका एक भी चूज़ा नहीं मरेगा। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करके ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।